हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग थॉमस ग्रे की पोयम ओड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पोयम है वो नॉस्टैल्जिया में लिखी गई है और इसकी राइमी स्कीम है ABABCCDEED। इसमें 10 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स है। ये पोएम आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है। इसका थीम है द नेसेसिटी ऑफ सफरिंग अनहैप्पीनेस एंड डेथ ऑफ मैनकाइंड। और ये जो पोएम है वो हॉरेशन ओड है। ये 1742 में लिखी गई थी लेकिन 1747 में ये पब्लिश हुई थी। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पोएम 1742 में लिखी गई है। इसकी जो सेटिंग है वो लंदन के ईटन कॉलेज की है और ये जो ईटन कॉलेज है ये एक प्राइवेट बोर्डिंग कॉलेज है फॉर बॉयज़, जिसमें 13 से 18 ईयर के बॉयज़ को एडमिशन मिलता है। इसके फाउंडर है किंग सिक्स और ये जो कॉलेज है इसे 1440 में बनाया गया था और ये बिर्किस्ट्री के टाउन ईटन में सिचुएटेड है। ओके, तो अब हम इस पोएम की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो इस पोएम में थॉमस ग्रे अपनी लाइफ के उस टाइम को रिकॉल करते हैं जब वो इस कॉलेज में एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे। वो अपने यूथ के दिनों को नैरेट करते हैं कि किस तरह से वे अपने कॉलेज में रहते थे विदाउट वरी, विदाउट केयर। वो कुछ दूरी पर, मतलब ईटन कॉलेज से थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होकर ईटन कॉलेज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो यंग फेलोज़ यानी कि यंग स्टूडेंट को देख रहे हैं ईटन कॉलेज के, और वो भी अपने यंग एज में वापस जाना चाहते हैं और अपने लाइफ के सेकेंड स्प्रिंग को इन्जॉय करना चाहते हैं। इसके बाद वो उन यंग फेलोज़ यानी कि यंग स्टूडेंट्स जो अभी ईटन कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि जैसे ही ईटन कॉलेज को छोड़कर ये लोग जाएंगे, मिस फॉर्चून उनके सामने आ जाएगी और वो मिस फॉर्चून है एजनिंग और डेथ। तो बस इस पूरे पोएम में पोएट यही बात करते हैं, इससे ज़्यादा इस पोएम में और कुछ है भी नहीं। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।